अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है। मेरे पास हीटेड आयरन है और मेरे पास ये पट्टी है, और पट्टी को उसमें मैंने अभी बस प्लेस किया रखा है, और अब मैं इस गर्म आयरन से इस चीज़ के ऊपर मूव करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पट्टी कैसे खुला हुआ है, ठीक है। तो जब ये मैं हीटेड आयरन इसके ऊपर प्लेस करूँगा और दूसरे हाथ से मैं इस पर अलाइन करता रहूँगा, और ये बस सिंपल सा प्रोसेस है, और आप देख सकते हैं इसको हम कितने अच्छे से इसको प्लेस कर रहे हैं, और आप देखिएगा फिर से कि इसकी फिनिशेस कैसे हैं। ये बस हमें, ये बस इस तरीके से, और अब ये एक्चुअली पेस्टिंग हो चुका है। तो इसके कॉर्नर एजेस के लिए मैं थोड़ा नाइफ यूज करूँगा कि ये कॉर्नर पार्ट्स ना काट के निकाल सके। अब मैं यहाँ से इसे नाइफ से निकाल रहा हूँ कॉर्नर फेस को करके, आप देख सकते हैं। और इस सेट के स्टार्टिंग पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा चॉप कर देता हूँ, और इस पर एक बार और आयरन में चला देता हूँ हीट के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हीट का जो प्रोसेस है वो कितना फिनिश हो चुका है, और हीट का कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लाईवुड इस कॉर्नर की तरफ से कितना स्मूथ, ऐसा लग रहा है जैसे आपने सनमाइका इसमें पेस्टिंग किया हो कार्बेट हाउस में। बट ये बहुत ईजी प्रोसेस है, सेम यू कैन सी।